फ्रेंड्स, पृथ्वी में हम जितना भी आवाज सुनते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है वायुमंडल। वायुमंडल साउंड तरंगों के परिवहन में काम करता है। एक जगह से दूसरे जगह आवाज वायुमंडल के सहारे ही चलता है। मगर इसका ठीक उल्टा है महाकाश में। स्पेस में कोई वायुमंडल नहीं होता, इस कारण वहाँ एकदम शांत परिवेश है और कोई ग्रेविटी ना होने के कारण कोई भी वस्तु या फिर इंसान तैरते रहते हैं। किसी भी स्पेस शिप के साथ अगर एस्ट्रोनॉट्स बंधे ना हो तो महाकाश में खो जाएंगे और उनको ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, और एक बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से तब कैसे संपर्क करते होंगे, तो चलिए इसका जवाब भी दे देते हैं, रेडियो तरंगों से। रेडियो वेव के सहारे अंतरिक्ष यात्री धरती में बने स्पेस स्टेशन के साथ संपर्क साधते हैं। हम सबको पता है कि बुध यानी मरकरी ग्रह सूरज के नज़दीक है, तब जरूर इसका तापमात्रा अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मरकरी में वायुमंडल प्रॉपर ना होने के कारण सूरज से निकला तापमात्रा वहाँ नहीं रुकता बल्कि वापस फैल जाता है। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वेनस में। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सूरज से निकला गर्मी वायुमंडल के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इसके कारण वहाँ तापमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों, धूमकेतुओं को देखना किसे नहीं पसंद है। हमारे स्कूल में हेलेस कॉमेट के बारे में सुना था, उसके ऊपर हमारी उत्सुकता तभी से बढ़ी। लेकिन अपने आंखों से देखने का सौभाग्य शायद हम कम लोगों को मिला होगा, क्योंकि ये सामान्य धूमकेतु नहीं है। हर 76 वर्ष बाद ये पृथ्वी से दिखाई देता है। पिछली बार इसको 1986 में देखा गया था और अगली बार 2061 और 2062 के बीच किसी एक समय देखा जा सकता है। सूरज हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और इसी को चक्कर लगा रहा है पृथ्वी और सब ग्रह। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल के ज़्यादातर ग्रह एस्टेरॉयड्स और कई चीज़ें हैं जो सूरज से टूटने के कारण बने हैं, यानी ये सब सूर्य के अंश हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, सौरमंडल के अंतर्गत जितने ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉयड्स, धूल, गैस, इन सब का लगभग मिला के जितना द्रव्यमान निकलता है उसका 99% सिर्फ सूरज का ही है। इसी के कारण सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रहों के ऊपर इतना ज़्यादा काम करता है। ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, और इस ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगाएं हैं ये भी खोज के विषय है। लेकिन कुछ के बारे में जानकारी लगाया जा चुका है, जैसे कि एंड्रोमेडा, मिल्की वे, वर्लपूल और कई गैलेक्सीज। इनमें से मिल्की वे गैलेक्सी में है हमारे मध्यम वर्गीय तारा सन। खोजकर्ताओं के मुताबिक अब तक 125 बिलियन गैलेक्सीज को देखा जा सकता है या फिर इनके बारे में पता लगाया जा सकता है, और हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में 100 से 400 बिलियन तारे हैं। पृथ्वी से सबसे नज़दीक में स्थित स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा जैसे कुछ और गैलेक्सियों के बारे में आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा। अब आते हैं पृथ्वी से सबसे दूर में स्थित गैलेक्सी GN-Z11 पे। ये सप्तर्षि तारामंडल के अंतर्गत हाई रेडशिफ्ट आकाशगंगा है, जो 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी में स्थित है। कर्मान लाइन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मान है जिससे पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष में सीमा और उनके बीच का फासला नापा जाता है। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के मुताबिक सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर वाले रेखा से कर्मान लाइन शुरू होता है, लेकिन नासा और यूएस एयरफोर्स इसे नहीं मानते। उनका ये नाप समुद्र के जलस्तर से 80 किलोमीटर ऊपर में से शुरू होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष का तापमान है। बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अनुसार स्पेस में तापमान -270.45 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, वेनस को अपने एक्सिस में एक चक्कर घूमने के लिए 243 पृथ्वी दिवस के बराबर समय लगता है, लेकिन सूरज के चारों ओर घूमने में 224.7 पृथ्वी दिवस लगता है। सच में दोस्तों, कितना स्लो है ये वेनस। जानते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में एक ही प्रकार का दो धातु किसी भी कारण अगर मिल जाता है तो वो स्थायी रूप से मिलके एक ही हो जाता है। खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत सारे तैरता हुआ पानी का कण होता है, इनको मिलाकर विशाल जलवाष्प का जमावट बना है। तो इन सब को मिलाकर जितना मास होता है वो पृथ्वी में स्थित समुन्द्र, नदी एवं महासागर में मौजूद पूरा पानी के कण का जो मास है उससे 140 ट्रिलियन गुना ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत चूड़ा है, लेकिन इसका 2.5 गुना ऊंचा एक ढाल ज्वालामुखी है मंगल ग्रह में। ओलंपस मॉन्स नाम का ये ज्वालामुखी अंतरिक्ष का सबसे बड़ा और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका ऊंचाई डेटम से 21,287.4 मीटर ऊंचा है। जियोडेटिक डेटम धरती में किसी स्थान को पता लगाने का संदर्भ बिंदु है। हीरा किसे नहीं पसंद है, हम और आप सबको हीरा पसंद है, परंतु सोचिए हीरो का अगर भंडार आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे। इतना सोचिए मत दोस्तों, वो
वो खजाना पृथ्वी से दूर और एक बहिग्रह में है। 55 कैनक्राई ई नाम से एक्सोप्लैनेट 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था। अधिकांश भाग कार्बन से बना इस बहिग्रह में मौजूद एक तिहाई पदार्थ का द्रव्यमान तापमान और दबाव के कारण हीरा में परिवर्तित हो चुका है। 55 कैनक्राई ई नाम का बहिग्रह 55 कैनक्राई ए नाम से बना एक तारा का चक्कर लगाता है और सबसे पहला खोजे जाने वाला ये महापृथ्वी का व्यास हमारे पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा है। अंत में एक और मजेदार तथ्य आपके साथ शेयर करता हूँ। नासा के द्वारा स्वीकृत सूट का कीमत इतना $ है। सूट का कीमत इतना क्यों हुआ जानते हैं? बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल के कारण, जो कि इन पूरा कीमत का 70% है। तो दोस्तों, ये था आज का फैक्ट्स। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।